दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग मैसेंजर पे अपने यूजर नेम को कैसे चेंज कर सकते हो, बदल कैसे सकते हो, एक कस्टम आप लोग यूजर नेम कैसे सेट कर सकते हो मैसेंजर एप्लीकेशन पे। तो इसको करने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। ये दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग मैसेंजर पे अपना कस्टम यूजर नेम को कैसे सेट कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आप लोगों को अपने मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा आपकी प्रोफाइल टॉप लेफ्ट साइड में। तो सिंपल आप लोगों को अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आप लोगों को सिंपल स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम दिखाई देगा आप लोगों को, यूज़र नेम के सेक्शन पे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को एडिट यूज़र नेम पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग देख पाएंगे कि जो भी आप लोगों का यूज़र नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल क्रिएट किया होगा तो आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का यूज़र नेम सेट हो जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि कस्टम यूज़र नेम मिल जाए, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे आप लोगों का जो भी यूज़र नेम आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे इसको कट करके जो भी यूज़र नेम आप लोग सेट करना चाहते हो आप लोग उस यूज़र नेम को यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। तो जो यूज़र नेम अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग उसको नहीं ले सकते हो। तो आप लोगों को आगे पीछे स्पेलिंग इधर उधर करके आप लोगों को चेक करना है, अगर वो यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो आप लोग उसको ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को इसको करने के लिए सिंपल सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये यूज़र नेम, नया यूज़र नेम अब आप लोगों को मिल चुका है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नया यूज़र नेम हमें असाइन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खान साद 9800 ये यूज़र नेम असाइन हो चुका है। अब हमें किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन हमसे चैट करना चाहता है तो यहाँ पे सिंपल आप लोग उसको ये लिंक दे सकते हो m.me/, और यहाँ पे जो यूज़र नेम आप लोगों का कस्टम यूज़र नेम है आप लोगों का यहाँ पे जो सेट किए होंगे वो यहाँ पे लिंक बन जाएगी। सो ऐसे आप लोग मैसेंजर में कस्टम यूज़र नेम को सेट कर सकते हो। सो दोस्तों यही था वीडियो जिसमें आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग मैसेंजर पे कस्टम यूज़र नेम कैसे सेट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।